सो वाइट सर, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे जो मैं जो है बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2025 के बारे में। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो नीट प्रिपरेशन 2024 में सॉरी 2025 में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि नीट पीजी 2025 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे, जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे, तो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सारा जो है प्रोटोकॉल मालूम हो जाएगा नीट के बारे में। यानी कि जो है आई विल टॉक अबाउट जो है नीट पीजी 2024 डिटेलिंग्स। तो यू कैन सी गाइस कर इन दिस वीडियो, तो आप इस वीडियो में सारा डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। मैं पूरी जो है टॉपिक वाइज कवर करूंगा, जैसे एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप, इसी प्रकार में पूरे एल्गोरिदम की तरह जो है इस टॉपिक को मैं डिटेलिंग के साथ बताऊंगा। तो ये वीडियो कुछ लंबी जो जा सकती है, जो भी कैंडिडेट लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो वो सिंपली किसी और वीडियो पर जा सकते हैं। तो ओके, तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे इवेंट और स्पेसिफिकेशन की बात करो तो ऑथोरिटी कंडक्टिंग द नीट पीजी 2025 एग्जाम्स, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE, जो भी एग्जाम जो है नीट पीजी कराता है, आपका NBE चाहे NTA भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कौन कराता है, तो ये आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अब फिर नीट पीजी 2025 एग्जाम फॉर पोस्ट लेवल का जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, मोड ऑफ इंटरनेट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होते हैं। इसमें नीट पीजी 2025 एग्जाम टाइम ड्यूरेशन 210 मिनट्स होते हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे MS जो इतना जो 10,821 और PG डिप्लोमा के लिए 1979 जो है DNB CET के लिए 1338 और MD के लिए 19,953 सीटें करो इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज फॉर द नीट पी 2025 एग्जाम्स 162 सिटीज इन ऑफ इंडिया है वो होंगे। नीट एग्जाम जो है 162 सिटीज में कंडक्ट हो सकते हैं। ऑफर कोर्स आपका MD PG डिप्लोमा DNB कोर्स MBBS MS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पे MS MD PG डिप्लोमा के जो है 6,102 और जो है हॉस्पिटल DNB के लिए 649 आपको मिल जाएंगे। नीट पीजी 2025 एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जून 2025। नीट पीजी 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MBBS और इक्वालेटेड क्वालिफिकेशन। फिर नीट पीजी 2025 यहाँ पे एग्जाम डेट, तो इसके फॉर्म जो है अक्सर फरवरी के समथिंग जो है रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 3 वीक ऑफ अप्रैल 2025, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट पीजी 2025 3rd week ऑफ मई 2025। पेडिंग विंडो फॉर ऑल द कैंडिडेट 3rd week ऑफ मई 2025। नीट पीजी 2025 प्री फाइनल एडिट विंडो फॉर इनकरेक्ट जो है 3rd week मई 2025। फाइनल एडिट विंडो फॉर ऑल द कैंडिडेट फॉर द इनकरेक्ट इमेज 3rd week ऑफ मई 2025। नीट पीजी 2025 एडमिट कार्ड इशू डेट 1 week ऑफ जून 2025। नीट पीजी 2025 एग्जाम डेट लास्ट वीक ऑफ जून 2025। यू कैन सी गाइस, आप नीट पी 2025 एग्जाम डेट लास्ट वीक ऑफ जून 2025। नीट पी 2025 रिजल्ट 2nd week ऑफ जुलाई 2025। नीट पी जी 2025 मेरिट लिस्ट 2nd week ऑफ जुलाई 2025। नीट पी जी 2025 इसको 3rd week ऑफ जुलाई 2025। यहाँ पर मैं सारा डेट बता रहा हूँ शेड्यूल के बारे में। नीट पी जी 2025 काउंसिलिंग 1st week ऑफ अगर 2025। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1st registration विंडो 1st week ऑफ अगर 2025। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1st revised चॉइस ऑफ फिलिंग विंडो लास्ट वीक ऑफ अगर 2025। नीट पीजी सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग राउंड 1st September 2025। नीट पीजी 2025 राउंड 1st result September 2025। अभी नीट पीजी सीट अलॉटमेंट 2025 अराउंड 3rd September अक्टूबर 2025।
यहाँ पे मैं जो है जवानी से लेके जो है राउंड फर्स्ट से लेके सरार बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है नीट पी 2025 कोर्सिंग राउंड 3rd October 2025 नीट पी 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल ऑल राउंड और 3 राउंड रजिस्ट्रेशन 2025 नीट पी 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो स्क्रीन द लुकिंग आप 2025 अब फिर नीट कितनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है नीट पी 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल सीट अलॉटमेंट अक्टूबर आपका 2025 फिर आपका नेट पी 2025 ऑनलाइन स्टेव कैसी राउंड रिजल्ट अक्टूबर 2025 यहाँ एग्जाम पेपर एनालिसिस की बात करेंगे तो 2000 यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है तो मैं प्रीवियस ईयर का एक कंपेयर ओनली करूँगा और 2023 का और 2024 का जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे 2023 की अगर मैं बात करूँ तो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द मॉडरेट द क्वेश्चन पेपर विल वर्क लेंथली एंड टाइम कंज्यूमिंग ओके यहाँ पेपर वर्क जो है ज़्यादा थियोरेटिकल आएंगे तो थियोरेटिकल में तो टाइम कंज्यूम होना चाहिए सी बात है तो एग्जाम विल कंडक्टेड मेन टू शिफ्ट होंगे द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए पेपर विल द मॉडरेट टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ए शिफ्ट टू क्वेश्चन पेपर वाज द मोर डिफिकल्टी देन शिफ्ट वन फिर रिजल्ट के बारे में कब अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है NBE के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जाना है फिर आप क्लिक करना है नेट पीजी रिजल्ट 2005 रिजल्ट के बारे में फिर एंटर करना है अपना डिटेल्स और तो पेज पूछा जो डिटेल्स पूछा वहाँ क्लिक करना है फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट अपने स्कोर के साथ अब फिर आपको दो तीन प्रिंटर फ्यूचर ऑफ आप चाहे तो आप प्रिंटर से भी ले सकते हैं फिर प्रिपरेशन टिप है यहाँ पे मैं टिप्स बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे बस कि द जो है सिलेबस ऑफ एग्जाम पैटर्न टिप रनिंग टू की यूज स्ट्रिक्टली नोट ऑफ रिवीजन टेक रेगुलर ब्रेक्स रिव्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस विद द मॉक टेस्ट क्लियर डाउट्स ऑफ ए प्रॉम्प्टी प्रायोरिटी हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें यहाँ आप नेशनलिटी देख सकते हैं नेशनलिटी में कैंडिडेट हु हैव द इंडियन सिटीजन कैन बी अप्लाई द नीट पी 2025 अगर अगर आउट ऑफ कंट्री का है तो वो बंदा जो है अप्लाई नहीं कर सकता है अगर होना चाहिए होना चाहिए तो वो इसकी जो है नेशनल जो सिटी नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर द करेंटली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द प्रोसेस ऑफ ए फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नेट पी 2025 फिर फॉरन जो नेशनलिटी कैंडिडेट पर कैन टेक द शॉर्ट ऑफ ए नेट पी 2025 एग्जाम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं तो यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा फिर नीट पी जी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में क्या है विदिन द ऑफिशियल वेबसाइट फिल इन द ऑल डिटेल्स फिर आपको होता है यूजर आईडी मिलेगा फिर एडिंग द ऑल एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन जो पूछा जाएगा नीट पी जी एप्लीकेशन फॉर्म में फिर अपलोडिंग द ऑल डॉक्यूमेंट फिर आपको जो है सिलेक्टिंग द एग्जाम सेंटर पेइंग द रिक्वेस्ट नीट पी जी फी के बारे में क्लिकिंग द सबमिट फिर प्रिंट आउट निकालने फाइनल तो इस टाइप से जो है अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फी आप दे सकते हैं पहले जो है मिनिमम था लेकिन 2025 में जो ज़्यादा फीस लग रहा है जो मेरे को अपडेट मिला है मैं आप लोगों को यही अपडेट दे रहा हूँ नहीं तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो बहुत कम ही फीस थी अप्लाई करने का तो इस बार जो है मैं कहूँगा कि फी जो है इंक्रीज हो चुका है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है नेट पीजी के लिए क्या क्या हो सकता है सिग्नेचर पासपोर्ट फोटो साइज लेंथ है जो है थंब इम्प्रेशन होना चाहिए इतने के भी ना डायमेंशन होना जरूरी है फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में देख सकते हैं प्री क्लिनिकल पारा क्लिनिकल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में देख ले आपका मोड ऑफ एग्जाम इसमें ऑनलाइन होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे नीट पी जी एग्जाम टाइम ड्यूरेशन 3 hours 30 minutes का मैक्सिमम मार्क्स आपका 800 का होगा लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगी सब्जेक्ट वाइज जो डिवीजन क्वेश्चंस आप ये सिंपली दे सकते हैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 12-15 पार्ट डे के लिए जो है
फिजियोलॉजी के लिए 12-15 है, एनाटॉमी के लिए आपका 15-70, पार्ट बी जो है पैरा क्लिनिकल के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन 8-10, माइक्रोबायोलॉजी 15-20, फार्माकोलॉजी 15-20, पैथोलॉजी 10-15, सोशल एंड जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन 15-20। अब पार्ट सी के लिए आप स्टेरिक्स एंड गाइनोकोलॉजी 15-18 और इसके बाद एनेस्थेसिया 35-40। अब फिर हम बात करेंगे इसके जो है सब्जेक्ट सेक्शन सब्जेक्ट का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी आपका 30-36, रेडियो जेनेसिस 7-9, पेडियाट्रिक्स 10-15, साइकाइनेट्री का 5-10, ऑप्थाल्मोलॉजी का 5-10 हो जाएगा। एडमिट कार्ड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं फोटो यहाँ पे। एग्जाम सेंटर अपने एक और से चूज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे आपको देखने को, न्यू दिल्ली इंदौर, आपको हर जगह एग्जाम सेंटर अपने जो नियरेस्ट होगा वहाँ पे चूज कर सकते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या डॉक्यूमेंट है, नेट पीजी के डेट जो है इतना डॉक्यूमेंट है, और फिर आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब कुछ है इसको ले चलिएगा। कट ऑफ की बात करें तो इस बार का जो है कट ऑफ जो है जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए परसेंटाइल 45 और जो है कट ऑफ 274, जनरल ईडब्ल्यूएस 50 एस परसेंटाइल 291, एसएसटी ओबीसी इंक्लूडिंग 40 परसेंटाइल 257। की कास्ट कैटेगरी यहाँ पे यूपीएससी कास्ट कैटेगरी रिजल्ट यू आर 25 परसेंटाइल 201, अंडर रिजल्ट के लिए 20 परसेंटाइल 186, एसएसटी ओबीसी के लिए 169, एसएसटी के लिए 50 परसेंटाइल 169 आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं कास्ट कैटेगरी क्वालिफाई परसेंटेज नीट पीजी 2022 कट ऑफ, तो यहाँ पे जो अनरिजल्ट यू आर 50 परसेंटाइल 302, अनरिजल्ट पीएच यू आर पीएच 40 परसेंटाइल 283, एससी एसटी ओबीसी 40 परसेंटाइल 265, एससी एसटी ओबीसी पीएच 40 परसेंटाइल 265 आप दे सकते हैं। फिर आपको जो है मेरिट लिस्ट होगा, इसमें जो है ऑल इंडिया 50 परसेंटेज कोटा रैंक होता है, स्टेट कोटा एम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एम AFMS रैंक, ऑल इंडिया नेट पी 2025 रैंक, ओके। अब फिर हम बात करेंगे इसके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख ले रहे हैं द फोर नेट पी 2025 एडमिशन स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड टू लिस्ट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर गेटिंग क्लियर शीट दिस इंक्लूडिंग नेट पी 2025 एडमिट कार्ड नेट पी जी ठीक रैंक कार्ड 2025 की जो है 12th मार्कशीट प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट, इतने सारे जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट, काउंसलिंग कॉल्स, कॉल लेटर टू साइन अप द ऑनलाइन टेस्ट पीजी, ये सारा जो काउंसलिंग साइन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आप काउंसलिंग के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से काउंसलिंग डेट वगैरह सारा जो है मिल जाता है। और फिर सीट अलॉटमेंट 2025 की बात करें तो यहाँ पे जो है सीट आप अपने चूजिंग के अनुसार आपके रैंक के अकॉर्डिंग चूजिंग अनुसार मिल जाता है, वहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंग से आप सीट अपने चूज कर लीजिए। अनेट पीजी पर एडमिट कार्ड वगैरह MBBS पीजी डिग्री MBBS डिग्री मार्कशीट ऑफ MBBS क्लास एस्ट मार्कशीट करा इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट परमानेंट प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट कर वैलिड फोटो आईडी और नॉन क्रीमी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निपीट सीट अलॉटमेंट फैसिलिटीज। यहाँ पे जो 50% ऑल इंडिया कोटा होता है, 50% अदर कोटा होता है, तो इसमें बता चुका हूँ कि अगर ऑल इंडिया कोटा का है, ऑल इंडिया कोटा का, तो 50% लोकल के मंदिर है, 50% ऑल इंडिया कोटा के रहेंगे। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं जो है इसमें पूरे डिटेल्स 2025 के बारे में बताया, जो भी आप लोगों के पास डाउट होगा वो हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।